स्वागत है आपका एम सॉल्यूशन चैनल पर। आज की यह वीडियो कक्षा 12वीं के लिए बनाई जा रही है, जो एनसीईआरटी मैथ से अभ्यू चैप्टर से विविध प्रश्नावली से पहला नंबर सवाल आज आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ए इक्वल टू 0100 हो, तो यानी अभ्यू ए का मान दिया हो, तो दिखाइए कि सभी एन एलिमेंट ऑफ एन, इसका क्या मतलब होता है। मैं बता दे रहा हूँ कि सभी एन का मतलब सभी संख्याएं, इस कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, यानी सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या का सदस्य हैं। उसके लिए ए आई प्लस बी ए होल पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एन आई प्लस एन ए पे एन माइनस वन बी इंटू अभ्यू ए, जहाँ आई कोटि दो का तत्समक अभ्यू है। हमें सिद्ध करना कि ये वाला कंडीशन बराबर ये वाला कंडीशन, और अभ्यू ए का वैल्यू लेना 0100, और आई कोटि दो का तत्समक अभ्यू है, यानी आई इक्वल टू आपको लेना है कोटि दो का तत्समक अभ्यू यानी 1001, और यहाँ पर अभ्यू ए इक्वल टू दिया ऊपर सबसे ऊपर दिया हुआ है 0100। अब इन्हीं दोनों की मदद से मुझे ये वाला कंडीशन फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं बायां पक्ष यदि लेने की बात करूँ, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेने की बात करूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, कोष्ठक के अंदर लिख सकते हैं हम ए आई प्लस बी कैपिटल ए और होल पावर एन। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में आई और ए की वैल्यू पुट करनी है मुझे, आई और ए की वैल्यू को पुट करना है। तो देख लीजिए ध्यान से, ए इंटू आई का वैल्यू है कितना है 1001। अब मैं इसे इस तरह का कोष्ठक बना देता हूँ और इसे अभ्यू वाला बना देता हूँ, क्योंकि अभ्यू की जगह पर अभ्यू वाला कोष्ठक लिखना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। और बी ए की वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर 0100। अब क्या करना है, अब आपको इस तरीके से कोष्ठक बंद कर देना और होल पावर एन लगा देना है। फिर आगे बढ़ते हैं, ए का अंदर गुणा हो जाएगा ए, 0 में गुणा होगा 0 0 ए, प्लस आगे देख लेते हैं क्या है, बी का इसमें गुणा कर लेते हैं 0 बी 0 0, और इस पर होल पावर कितना हो जाएगा, होल पावर हो जाएगा एन। अब इसको अंदर ही अंदर जोड़ लेते हैं हम लोग, अंदर ही अंदर जोड़ लेते हैं। ए में 0 जोड़ेंगे तो ए होगा, 0 में बी जोड़ेंगे तो बी होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा, ए में 0 जोड़ेंगे तो ए होगा, और इस पर होल पावर कितना हो गया, एन हो गया। तो यहाँ तक ये मामला पहुँच गया कि यानी ए बी 0 ए पे होल पावर एन। अब हमको राइट हैंड साइड ले लेना है, राइट हैंड साइड देख लेते हैं, आर एच एस दिया हुआ था ए पे पावर एन आई प्लस एन ए पे पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू ए। अब आप देखिए ध्यान से, ए पे पावर एन ऐसे रहेगा, आई का मान हम लोग लिख देंगे 1001 प्लस एन ए पे पावर एन माइनस वन इंटू बी, और ए का वैल्यू लिख देंगे 0100, लिख दिया गया। अब क्या करना है, अब इसका अंदर गुणा करना है, इन दोनों का, इन सबका अंदर गुणा करना है। कर लेते हैं गुणा, ए का 1 में होगा तो ए पे पावर एन 0 0 ए पे पावर एन, अंदर गुणा हो गया। इन सारी चीज़ों का यहाँ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ गुणा होगा तो ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, यहाँ गुणा होगा 0, यहाँ भी होगा तो 0। यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अब क्या करना है, अब जोड़ लेना इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, जोड़ लेना। जोड़ने के बाद मैं आगे की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। ए पे पावर एन और 0 जोड़ेंगे तो ए पे पावर एन होगा, 0 को इसमें जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा एन ए पे पावर एन माइनस वन इंटू बी, और इसको इसमें जोड़ लीजिए, इसको इसमें जोड़ लीजिए, ये आपका राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड के बाद क्या करना है आपको,
अब आपको इसे गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपका कुछ हो रहा था, ध्यान से देखें आप। लेफ्ट हैंड साइड ये चीज आया है और राइट हैंड साइड ये चीज आया है। यहाँ पर सिद्ध करना कि एन एलिमेंट ऑफ एन के लिए सत्य है, यानी एन का जो मान इसमें रखा जाए वही मान इसमें भी रखा जाए तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ऐसा हमको सिद्ध करना था। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम लोग सिद्ध करेंगे। अब लिख लेते हैं गणितीय, कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया होगा गणितीय आगमन के सिद्धांत से। गणितीय आगमन का सिद्धांत केवल 3 स्टेप का है। पहला स्टेप में एन इक्वल टू 1 रखना होता, दूसरे स्टेप में एन इक्वल टू के रखना होता, तीसरे स्टेप में एन इक्वल टू के प्लस 1 रखना होता, बस बात खत्म हो जाती वहीं पर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लेफ्ट हैंड साइड आया था वो है ए बी 0 ए होल पावर एन, और जो राइट हैंड साइड आया है ए पी पावर एन, एन ए पी पावर एन माइनस 1 बी, और यहाँ 0 और यहाँ ए पी पावर एन। यह चीज है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब देखना कि एन बराबर 1 गणितीय आगमन के सिद्धांत में जो स्टेप 1 है, स्टेप वन क्या होता है, एन बराबर 1 रखने पर देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर होता है कि नहीं। अगर 1 रखोगे आप तो यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 की पावर लिखते नहीं है, ए बी 0 ए, और यहाँ पर 1 रख लो ए पे घात 1 रहेगा तो ए ही होगा, और यहाँ पे 1 रखोगे जब तो 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 होगा, तो ए की पावर 0 को 1 मानेंगे, और एन का मान भी क्या रखना 1, तो 1 × 1 हो गया, बचा केवल बी या 0, और यहाँ पे 1 की पावर 1 रखोगे तो क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन इक्वल टू 1 रखने पर ये दोनों पक्ष क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहा है। तो ये दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, गणितीय आगमन का पहला स्टेप इसने फॉलो कर लिया। अब दूसरा स्टेप को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, चूंकि उपयुक्त संबंध एन इक्वल टू ए रखने पर सत्य है, एन इक्वल टू 1 रखने पर सत्य है, इसलिए एन इक्वल टू के भी सत्य होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर लिख सकते हैं कि उक्त संबंध एन इक्वल टू 1 रखने पर सत्य है, इसलिए एन इक्वल टू के पर भी सत्य होगा, क्योंकि गणितीय आगमन का यही सिद्धांत है कि जब एन बराबर 1 रखने पर वो सत्य है तो एन बराबर के रखने पर भी सत्य होगा। ये दूसरा स्टेप है। तो एन बराबर हम लोग के जरा रख लेते हैं उसी संबंध में, उसी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। स्टेप 2 को हम लोग फॉलो करवाते हैं। क्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, वो था ए बी 0 ए, और यहाँ था एन, तो एन की जगह पर मुझे अब क्या रख देना, के रख देना है। और राइट हैंड साइड में क्या था, ए पे घात एन था तो ए पे घात के हो गया, और के ए पे घात है के माइनस 1 इंटू बी, और यहाँ पर होगा 0 और ए पे पावर के। यहाँ पर मैंने किया क्या है, मैंने जो प्रतिबंध आया था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, उसमें एन की जगह पर के रखा है। आप लोग पीछे कॉपी में देख सकते हैं। आप लोग जब जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ता जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को रोक रोक करके क्वेश्चन नोट करते जाएं, क्योंकि यदि पीछे देखना है, सवाल पीछे देखना है, तो यदि आप नोट किए रहेंगे तभी देख पाएंगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप वैसे वैसे वीडियो को रोक करके नोट करते जाएं। नोट करने के बाद आप आगे पीछे की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो एन इक्वल टू के लिए भी सत्य हो गया, ये स्टेप 2 का फॉलो हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसी स्टेप 2 में ही हम दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन से
गुणा कर देंगे। ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में ए बी 0 से गुणा करने पर। गुणा क्यों करेंगे, क्यों करेंगे गुणा, क्योंकि अगला स्टेप जो है मेरा वो है एन इक्वल टू के प्लस वन रखना मुझे, तो के प्लस वन यानी यहाँ पर प्लस वन आना चाहिए, यानी एक घात बढ़ने के लिए इसका एक बार और इसमें होना जरूरी है। ध्यान से देखिए दोनों पक्षों में इससे गुणा क्यों होगा, क्योंकि जो गणितीय आगमन का तीसरा स्टेप है उसमें होता है एन इक्वल टू के प्लस वन, तो यहाँ पर यदि मैं के प्लस वन लाना चाहूँ तो यानी एक घात यहाँ प्लस वन हो रही है, तो यानी एक घात बढ़ने की वजह से हम इसका एक बार इसके अंदर गुणा करेंगे, तो इसलिए इस चीज़ का हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखें आप, अभी आपको गुणा भी समझ में आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में चल लेते हैं, यहाँ भी लिखते हैं ए बी 0 ए, और यहाँ भी गुणा करने वाला सिस्टम डेवलप करेंगे। ध्यान से देखिए आप, अब इसका जब इस ब्रैकेट में गुणा होगा, जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यक्स प्लस वन पे पावर के है इंटू यक्स प्लस वन है, तो इसकी एक घात इसमें जुड़ जाएगी, यानी हो जाएगा एक्स प्लस वन पे घात क्या हो जाएगा के प्लस वन। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी कंडीशन है ए बी 0 ए घात हो जाएगा के प्लस वन। अब राइट हैंड साइड में गुणा कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं इसका इसमें और इसका इसमें। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ए पे पावर के प्लस वन हो जाएगा, और बी का 0 में गुणा करेंगे तो इसमें प्लस 0 हो गया। अब आगे बढ़ लेते हैं, इसी लाइन का इस स्तंभ में गुणा करते हैं, ए का इसमें करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा के ए पे पावर के माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस वन घात है ना, और इंटू बी। अब बी का कर लो इसमें गुणा, तो हो जाएगा बी का जब इसमें आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा बी ए पे पावर के, सॉरी इसमें करना था, इसमें जोड़ना था प्लस बी ए पे पावर के, या नीचे नहीं लिखना है। अब इसका गुणा करना इस स्तंभ में और इसका गुणा करना इस स्तंभ में, तो 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 होगा, और ए का इसमें गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 होगा, प्लस ए का गुणा ए में करेंगे तो हो जाएगा ए पे पावर के प्लस वन। ध्यान से आप देखें इस चीज़ को, क्योंकि तो गुणा करने में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, और वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को वैसे वैसे लिख लेंगे जैसे है, राइट हैंड साइड में क्या करना है, यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे ए पे पावर के प्लस वन होगा, और यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, ये माइनस वन प्लस वन समाप्त है, तो ए पे पावर के इधर भी है और ए पे पावर के इधर भी है। ध्यान से देखिए आप, ए की पावर के यहाँ है और ए की पावर के यहाँ है, और बी भी यहाँ है, बी भी यहाँ है, तो आप ए की पावर के और बी कॉमन ले लीजिए, ए की पावर के इधर भी है इधर और बी यहाँ भी है, ए की पावर के यहाँ भी है और बी भी है, क्योंकि माइनस वन प्लस वन तो नहीं है क्योंकि ये कट चुका, तो बचेगा ब्रैकेट में आपका के प्लस इस पूरे की जगह पर वन, यानी के प्लस वन, और नीचे 0, और 0 को यदि इसमें जोड़ते हैं आप तो वही आ गया ए पे पावर के प्लस वन। तो अब ये कंडीशन आप ध्यान से देखें, तो इस कंडीशन को देखने से पता चलेगा कि एन इक्वल टू के प्लस वन, इसलिए एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी, उक्त संबंध सत्य है,
अगर आपको डाउट है तो मैं समझाना चाहूँगा फिर से कि जैसे जो पहला कंडीशन था, यहाँ पर आप देख लीजिए, जो पहला कंडीशन था ये वाला, स्टेप वन एन इक्वल टू वन रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया, तो इसी वाले में यानी इसमें एन की जगह पर के प्लस वन आ गया है डायरेक्ट तीसरे वाले में, यहाँ पे के प्लस वन, यहाँ पे के प्लस वन, यहाँ पे के प्लस वन, देख सकते हैं आप, यहाँ पर, यहाँ पे के प्लस वन, यहाँ पे के प्लस वन, यहाँ पे के प्लस वन, यानी जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ के प्लस वन आ चुका है। तो इस नाते ये क्या, ये सत्य है, लिख देंगे अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार एन एलिमेंट ऑफ एन सभी मानों के लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन के सभी मानों के लिए सत्य है, के सभी मानों के लिए सत्य है। इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड का कंडीशन था, ए आई प्लस बी ए होल पावर क्या था, एन था, इक्वल टू ए पी पावर एन इंटू आई प्लस एन ए पे पावर एन माइनस वन और बी इंटू अभी ए, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरीके से हमने इसको सिद्ध किया, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम लिखें चाहे प्रूफ लिखें ये आपकी मर्जी है। तो बस आज के वीडियो में एक ही सवाल, क्योंकि एक ही सवाल काफ़ी समय ले चुका है और एक सवाल को लगाने में काफ़ी सिद्धांत वगैरह लगाए गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सवाल समझ लिया है। इसके आधार पर सवाल नंबर दो आप करेंगे, तीन करेंगे, और मैं फिर कल अगली वीडियो में सवाल नंबर दो और तीन, हो सकता है कि दोनों सवाल एक साथ लेकर आऊँ, नहीं तो कम से कम एक सवाल तो कल लेकर के आएंगे ही इस आपके इस सीरीज में, क्वेश्चन नंबर टू और थ्री जरूर आएगा। धन्यवाद।